नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है अपने punjabi.com देख रहे हमारे सभी दर्शकों का और उनके परिवार वालों का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया ही होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला अध्याय है। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए थे जबकि हजारों घायल हो गए। जिस दिन ये क्रूरतम घटना हुई उस दिन बैसाखी थी। इसी हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत के अंत की शुरुआत हुई। इसी के बाद देश को उधम सिंह जैसा क्रांतिकारी मिला और भगत सिंह के दिलों में समेत कई युवाओं में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेंपल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। उस दिन बैसाखी भी थी। जलियांवाला बाग में कई सालों से बैसाखी के दिन मेला भी लगता था जिसमें शामिल होने के लिए उस दिन सैकड़ों लोग वहां पहुंचे थे। तब उस समय का ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल रेजिनेल्ड डायर 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्ते लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश भी की लेकिन रास्ता बहुत संकरा था और डायर के फौजी उसे रोककर खड़े थे। इसी वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया और हिंदुस्तानी जान बचाने में नाकाम रहे। जनरल डायर के आदेश देने पर ब्रिटिश आर्मी ने बिना रुके लगभग 10 मिनट तक गोलियां बरसाई। इस घटना में करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई थी। बताया जाता है कि सैनिकों के पास जब गोलियां खत्म हो गई तभी उनके हाथ रुके। कई लोग जान बचाने के लिए बाग में बने हुए कुएं में कूद गए थे जिसे अब शहीदी कुआं कहा जाता है। आज भी ये कुआं जलियांवाला बाग में मौजूद है और उन मासूमों की याद दिलाता है जो अंग्रेजों के बुरे मंसूबों के शिकार हो गए थे। जनरल डायर रॉलेट एक्ट का बहुत बड़ा समर्थक था और उसे उसका विरोध मंजूर नहीं था। उसकी मंशा थी कि इस हत्याकांड के बाद भारतीय डर जाएंगे, लेकिन इसके ठीक उलट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरा देश आंदोलित हो उठा। हत्याकांड की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। आखिर में दबाव में आकर भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डायर का डिमोशन करके उसे कर्नल बना दिया गया और साथ ही उसे ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस हत्याकांड की तारीफ करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। बाद में दबाव में ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया। 1920 में डायर को इस्तीफा देना पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह लंदन आए। वहां उन्होंने कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हिंदी में वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि देशों विदेशों में रह रहे हमारे जितने भी फैंस हैं उन्हें पंजाब के बारे में, पंजाब की धरती के बारे में, पंजाब के वीर योद्धाओं के बारे में और तमाम पंजाब की जितनी भी संस्कृति है उसके बारे में बड़ी आसानी से हिंदी भाषा में जाना जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए अपने punjabi.com पर। धन्यवाद।